श्री कृष्ण बलराम ने और सखाओं ने लॉन्ग जंप करी। उस समय कहते थे ठेका ठेका, कितने हाथ का ठेका, कोई इधर 10 हाथ, कोई 15 हाथ, कोई 22 हाथ। भगवान ने कहा 25 हाथ कूदे, दौड़ करके आए। ठेका काहे को कूद रहे हैं, जो करना है कर करा के खत्म करे। सीधे छलांग लगा करके मंच पर कंस खड़ा हो गया। मेरी छाती पे ठेका कूदना था, हाथ फेल हो जाता था। बोले मामा जी भांजा प्रणाम कर रहा है आशीर्वाद को। जो झुकने लगे कंस ने तलवार निकाली मैं उनसे मारने को। जो उद्यत हुए छलांग लगा करके पीछे, जो छलांग लगाई पीछे हुए। अब तो महाराज क्या कहना, बाल पकड़ दिए। अरे मामा कंस देख ले, पहचान ले मुझे, मैं कौन हूं, देख चेहरा मेरा। तेरी बहन मेरी माँ देवकी का लाल और तेरा काल आज कृष्ण तेरे सामने खड़ा हुआ है। इसी प्रकार तूने मेरी माँ के बाल पकड़े थे ना, देख आज कोई दिन आ गया है, मैंने तेरे बाल पकड़े। लेकर के महाराज नीचे फेंका, छलांग लगाई, सीधे जो छाती पर गिरे हैं, कंस के प्राण निकले। देवताओं ने उसको भी सीधे जयकार करी है। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय हो। जय हो। कंस की पत्नी आई है रोते हुए, अस्थि और प्राप्ति। भगवान बोले मामी मामा मर गया। बोले कन्हैया कृष्ण तेने अपना मामा मारा और कहता मामा मर गया। बोले मामी मैंने मामा कहां मारा, मामा गिरा नीचे में गिरा ऊपर, मामा के प्राण निकल गए, मैं करूं क्या। आज भगवान ने उपदेश किया, आहा हा ये दुनिया एक रेला है साहब, जीवन मृत्यु तो चलती रहती है, बिल्कुल चलती है। आज एक आपको देखो, जब कंस मरा है ना, तो जिनको संपत्ति की लालसा थी, आज स्थिति यह है, व्यक्ति मरने की प्रतीक्षा करता है कि कब ये मरे और कब इसकी संपत्ति मेरे नाम हो। जिसके पास संपत्ति है मरते समय लोग भी उसके बहुत आगे पीछे रहते हैं, लेकिन जो बेचारा गरीब है जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास कोई नहीं आता। एक जिंदगी का सच आपको पद के रूप में सुना रहा हूं, एक गीत के रूप में सुना रहा हूं, ये पहली बार गा रहा हूं यहां पर। किसी ने लिखा है ये हमारे, हम नाम तो हमारे जो सोनाली हमारी शिष्या है इसके अपने जीजा ने ये लिखा है गीत, और बहुत बढ़िया भाव। देखकर दुनिया मैंने तुझको, देखकर दुनिया मैंने तुझको, फिर भी कहां समझ पाया। ढूंढा जब भी मैंने तुझको अपने ही मन के भीतर, तेरा एक और नया रूप ही नजर आया। सही गलत का फिर क्या फैसला करता, मैं तो शायद तुझको ही न जान पाया। के बाद
जाने वाला अकेला है, सैकड़ों की भीड़ में तू जाने वाला अकेला है। दुनिया का भी अजब एक मेला है, दुनिया का भी अजब एक रेला है। जब होगी आस कुछ पाने की, रिश्ते बनाए
छुड़ाए के वो जब होगी बात कर्ज चुकाने की, दामन भी छुड़ाए के वो जब होगी बात कर्ज चुकाने की। ओ, 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 ये कैसी दुनिया, ये कैसा मेला है, ये कैसी दुनिया, ये कैसा मेला है। राजगद्दी कभी खाली नहीं रहती। लाल बहादुर शास्त्री रूस ताशकंद में मरे, ठीक रात्रि के 12 बजे गुलजारी लाल नंदा को शपथ ग्रहण कराया गया। गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री हुए ठीक रात के 12 बजे। इसलिए पहले राजगद्दी जो खाली हो गई है उसे, और फिर राज आज्ञा लेकर के अपने माता पिता देवी की वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त करवाया। पिता वसुदेव ने कहा, कृष्ण तेरा जन्म जब हुआ था तो 10,000 गाय दान देने का संकल्प मैंने लिया था। अरे पिताजी 10,000 क्यों, 15,000 दान करो अब तो गाय, सारा राज्य आपका, आप आज्ञा करें। और देर नहीं, शुभ काम में देरी कभी नहीं करनी चाहिए। तत्काल वसुदेव जी के हाथ से 10,000 गौ दान करिए, संकल्प पूरा किया। भगवान उज्जैन सांदीपनी गुरु जी के यहां पर गुरुकुल में पढ़ने गए हैं, विद्या अध्ययन करने गए हैं। 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त करी और मरे हुए गुरु पुत्र को गुरु दक्षिणा में ला करके सौंपा है, गुरु दक्षिणा। और महाराज उसके बाद में एक दिन भगवान बड़े उदास बैठे हैं, लौट करके आए मथुरा, यमुना में एक दिन स्नान कर रहे थे। श्री किशोरी जी वो भी उधर यमुना में स्नान कर रही थी, एक नील कमल पुष्प सूंघा किशोरी जी ने और सूंघ करके उसे छोड़ दिया। वो नील कमल पुष्प बहता बहता भगवान श्री कृष्ण को मिला। श्री कृष्ण ने जो उसको सूंघा, राधा के प्रेम की माधुर्य खुशबू प्राप्त हुई, श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। उद्धव साथ में थे कृष्ण के, उठा करके लेकर के आए और अर्ध चेतन अवस्था में राधे 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 राधे, होश आया, आंखों से आंसू बह रहे थे। होश आया जब उठ करके कृष्ण बैठे, उद्धव को सामने देखा, आंसू पहुंचे। उद्धव ने कहा, कृष्ण ये आंसू किससे छिपा रहे मुझसे? ये आंसू रोने का कारण? कृष्ण कहते हैं, उद्धव ये आंसू नहीं है,
तो है क्या? आई है लहर आज ही सिंधु में ते बही बही इन आंखिन में आंसू बन छाई है। ये पद सिंधावलोकन पद है, जहां पर समाप्त होगा जिस शब्द से दूसरी पंक्ति उसी से प्रारंभ होगी। आई है लहर आज ही सिंधु में ते बही तो बही इन आंखिन में आंसू बन छाई है। छाई है उदासी एक ब्रज के संदेशे बिना मैया के माखन की न कीमत चुकाई है। तो काई मन मुकुर की मिटावन दवाई एक भोले ब्रजवासिन की पद रज बताई है। ताई है वियोग में वियोगिन वृषभानुवारी सत्य कहूं सखा आज ताकी सुधि आई है। आज श्री किशोरी जी की याद मुझे आ गई। हे उद्धव, मेरे से प्रेम करने वाले ब्रजवासी गोप ग्वाल जो मुझसे अनन्य प्रेम करते हैं वो ब्रजवासी कैसे होंगे, कुशल से होंगे कि नहीं होंगे? उद्धव, मुझे उनकी बड़ी चिंता लग रही है। उद्धव ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? बोले, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं मेरे वियोग में अब तक मर ना गए हो। तुम्हारा वियोग का अनुभव उद्धव कृष्ण किसको होता है? जिसके ज्ञान के चक्षु नहीं है वो सोचे तुम यहां नहीं हो वहां नहीं हो। तुम तो जर्रे जर्रे में हो, सर्वत्र हो। उद्धव एक काम करेगा, तू जाकर के उन गोपांगनाओं को कुछ उपदेश कर दे जाकर के, जिससे मेरे वियोग में अपने जीवन को जी सके। उद्धव ने कहा, ठीक है मैं चला जाता हूं। उद्धव, लेकिन एक बात कह दूं, बोलो, तूने मेरी दशा जो देखी है ये उनसे जाकर कह मत देना। क्यों? यदि उनको पता लगेगा कि उनके वियोग में मैं रो रहा हूं तो उनके प्राण निकल जाएंगे। वो तो ये सोचती हैं कि कृष्ण वहां सुख से होगा इसलिए जी रही होंगी संभवतः, नहीं तो मर भी गई हूं कोई भरोसा नहीं। मेरी दशा का उन्हें पता चल जाएगा तो निश्चित मर जाएंगे। इसलिए हे उद्धव, अब लग भई जो व्यथा ताही मत कहियो और अब जो कहूंगो बाकू नेक भूल जइयो मती ऐसी सिखे आइयो ऐसी सीख दे आना और बेग आए जइयो जल्दी आ जाना। बेग आए जइयो ऐसी सिखे आइयो ऐसी नीक सीख दे आइयो कहीं वियोगी नीक सीख दे आइयो अधिक दिन लगाइयो मती। वहां ज्यादा दिन रुकने का काम नहीं है। भगवान उद्धव को कह रहे हैं वहां ज्यादा दिन रुक मत जाना। क्यों? वहां पर एक बीमारी फैल रही है छूत की, छुआछूत की बीमारी है। कौन सी बीमारी है? बोले प्रेम का रोग लगा हुआ है वहां सबको। जो जाता है ज्यादा दिन रुक गया तो वो भी रोग में हो जाता है। इसलिए वहां ज्यादा दिन रुकना नहीं। ऐसी नीक सीख दे आइयो बार अधिक वहां लगाइयो मती। उद्धव ने कहा, हमें क्या रोग पकड़ेगा प्रेम रोग, हम तो ज्ञानी हैं। कृष्ण कहते हैं, उद्धव तू चतुर है, तेरी चतुरता पर मुझे संदेह नहीं है, लेकिन जैसे मैं तुझको जानता हूं उनसे भी भली भांति परिचित हूं। मतलब उद्धव तू चतुर है लेकिन उतबेहू ब्रजवासी है। उद्धव तू चतुर है उतबेहू ब्रजवासी है, उनको रमइयो कहीं उल्टो रम जइयो मती। उनको जोग कहियो श्याम प्रेम ते छुड़ाइयो उन्हें योग सिखे आइयो कहीं वियोगी बन जइयो मती। कहीं तू भी उनके रोग में वियोगी मत बन जाना। उद्धव कहते हैं, अरे कृष्ण क्या समझ रखा है हमें, हम जा रहे हैं और ऐसी सीख देकर आएंगे तुम देखना। भगवान ने कहा, उद्धव मैं पत्र लिख देता हूं। पत्र लिखे, आज कृष्ण पत्र लिखते हैं मैया यशोदा के नाम, बाबा नंद के नाम। आयु कितनी है? 12 वर्ष।
और 12 वर्ष के कृष्ण पत्र लिख रहे हैं। देखो कंस इत्यादि को सबको मारने के बाद नंद बाबा को विदा किया वहां से। अब एक चीज देखना, नंद बाबा विदा होकर के चले गए थे। पहली बार नंद बाबा को यह पता लगा कि कृष्ण बलराम ये हमारे नहीं है, ये वसुदेव के पुत्र हैं। नंद बाबा ने यह कहा कि हम तुम्हारे यहां दास दासी बन के रह जाएंगे, लेकिन बुढ़ापे में हमसे हमें अपने से अलग मत करो। और भगवान ने स्वीकारा नहीं था, भेज दिया था। मूर्छित तो हो गए थे नंद बाबा जब गए थे, और भगवान ने भी प्रणाम करके ये कहा था कि जाकर मैया से कहना कि हम और भैया दोनों अपने शरीर की चमड़ी का जूता बना करके भी आपके पैर में पहना दे तो भी आपके प्रेम ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। मां बाप के ऋण से कभी कोई बच्चा उऋण हो सकता नहीं। लेकिन उधर यशोदा को जब पता लगा तो यशोदा भी बावरी हो गई, और बावरीपन में यशोदा ने नंद से बड़ी उल्टी बात भी कह दी कि दशरथ तो अपने पुत्र के वियोग में मर गया था, अरे नंद तू जिंदा लौटकर मेरे पास आके से गया बिना कन्हैया के। उलट पग कैसे दीनो नंद, सुनी न कथा कबहू दशरथ की भूल गयो मति मंद। आज वो प्रेम वाले ब्रजवासी हैं और उद्धव को भगवान यहां से भेज रहे हैं मैया के लिए पत्र लिखते हैं। उसमें लिखा क्या है, मैया से कहना कामुरी लकुट मोहे बिसरत न एकहु पल, घुमची न बिसारो जा पे लाल उर धारे हैं, जा दिन ते छाके वो छूट गई ग्वारिन की, ता दिन ते भोजन न पावत सकारे हैं। जिस दिन से ब्रज छूटा है पेट भर के कन्हैया ने भोजन भी नहीं किया। उधो ब्रज जइयो मेरी लइयो चौगाल गेंद, जिस गेंद से हम खेलते थे मेरी गेंद ले आना। उधो ब्रज जइयो मेरी लइयो चौगाल गेंद, और मैया ते कहियो हम ऋणिया तिहारे हैं, मैया ते कहियो हम ऋणिया तिहारे हैं। पत्र लिख दिया और एक पत्र को बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। उद्धव ने कहा ये किसका पत्र है, बोले ये मेरी प्राणाधिकार श्री राधा का पत्र है। क्या लिखा है, बोले कुछ लिख नहीं पाया, जाकर के संदेशा दे देना मेरा। और भगवान ने पत्र दिए, उद्धव चलने को उद्यत हुए। भगवान ने कहा उद्धव मेरे वस्त्र पहन करके जाओ, क्यों, यदि अपने वस्त्र पहन के जाओगे तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा। वस्त्र पहने कृष्ण के प्रसादी, उद्धव चलने लगे। गच्छ शीघ्रं व्रजं हे सखे सुंदरम श्री लता कुंज पुंजा दिभे मंडितम शैल कृष्णा प्रभा चारु पत्र मेरी मैया को देना, और तीसरा वा तृतीय विदमेरा अधिकार यही सखी
तृतीयम् राधिकायै सखी तत्र गत्वाहितं मंदिरं सुंदरम। तीसरा पत्र मेरी श्री राधा को देना और चौथा पत्र चतुर्थम सखीभ्या शिशुभ्या शुभम कौशलम दीयता पत्र नेकम पथक। एक एक अलग अलग पत्र दिए के देना और महाराज उद्धव चल पड़े, पहुंचे श्री धाम वृंदावन। बहुत बढ़िया भाव, उद्धव अभिमान करके चल रहे हैं वृंदावन के लिए। और इधर भगवान प्रतीक्षा करते हैं। उद्धव वहां पहुंचे, समाचार दे और मेरे पास आवे। सबसे पहले उद्धव जब वृंदावन पहुंचे हैं तो दशा क्या हुई है? गोप ग्वाल सखाओं से पहली भेंट हुई। मैया यशोदा आंगन में बैठी है, छोटे छोटे बच्चे मैया यशोदा को घेर करके बैठे हैं, एक ही बात पूछते हैं, मैया जिन्होंने कन्हैया की चर्चा सुनी होगी वो बच्चे अपने मैया यशोदा के पास उनको देखने की लालसा से पहुंचते हैं। भगवान को गए भी तो समय हो गया, अब बच्चे भी पैदा हुए और जो बच्चे हुए हैं उनको कृष्ण कथा सुनने को मिल रही है, तो कृष्ण की दर्शन की लालसा। बोले कहां मिलेंगे? बोले मैया यशोदा के पास जाओ। कोई क्या उत्तर दे? मैया के पास आकर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बैठ गए। क्या कहते हैं? मैया कब आई है गोपाल, कब आई है गोपाल। मैया गोपाल कहां है? तो कहा अभी गया हुआ है। कहां गया है? गो चराने गया है। बोले कब आएगा? सांझ परे आएगा। सांझ आते बच्चे आ जाते, मैया गोपाल आए गए हो, लाला थको है सो रहे है। मैया यशोदा तो अब कल्पना के जीवन में जी रही है। जो कन्हैया की चद्दर है ओढ़ने की वो चद्दर रखती है, जो ललित कन्हैया है जो आंगन में कभी ठाकुर जी को पहना दी जाती उनको निहारती है। दधि मंथन करे यशोदा तो माखन बनाए करके रख देती है, कन्हैया खाए ले आए करके माखन बन गए और ताजा ताजा माखन है लाला खाए ले आए करके। और बच्चे रोज आते हैं और मैया रोज एक ही उत्तर देती है, गया है आ रहा होगा, कब आएगा जल्दी आएगा। कब आई है गोपाल तेने कही बेग ही काढ़ो, तूने कहा था मैया जल्दी आएगा। निकल गयो बहुकाल मैया कब आई है गोपाल। बस बस सांत्वना देने के अलावा यशोदा पर है क्या? कुछ नहीं। उद्धव आते हैं ब्रज में, सखाओं ने देखा, दौड़ करके कन्हैया कन्हैया जाकर के महाराज हृदय लगा लिया। सबके सब चारों तरफ से कन्हैया को घेर के छाती लगाते हैं। अरे कन्हैया तू आ गया, अब हम कहीं मेला देखने नहीं जाएंगे, लाला अपनी गैया चराएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, चल चल कन्हैया जमुना किनारे चले। हाथ पकड़ा लेकर के चलने लगे। उद्धव ने कहा मैं कन्हैया नहीं हूं, सखा हूं, दूत हूं, सेवक हूं, उद्धव मेरा नाम है।
गलती हो गई, आप बिल्कुल हमें कन्हैया जैसे ही प्रतीत हुए, यही कपड़े, यही घुंघराले बाल, सब कुछ वैसा ही, तो दास दरबार से आए हैं, हम क्षमा मांगते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाथ पकड़ लिया उद्धव ने, आप कृष्ण के सखा हैं। हाँ भैया, कृष्ण के सखा हैं, आपके लिए पत्र दिया है। छाती लगाया उस पत्र को, अरे मधुमंगल, बोले किंकड़ी बोल, देख देख मैं तो पढ़ो लिखो हूं नहीं, पत्र में देख मेरा नाम है कि नहीं। जो देखो मधुमंगल ने, किंकड़ी सबसे पहले तेरो ही नाम लिख रखो है वाने, वो याद करे कन्हैया आज भी, भले ही राजा को छोरा हो गया है लेकिन हमें भूलो नहीं है, वाने वचन दियो हतो कि हमें भूलेगो कभी नहीं। वाकू हमने कितनी टेढ़ी टेढ़ी सुधी सुधी बात कही है, कई बार वह थप्पड़ मारो है, लेकिन हमारो कन्हैया हमें आज भी याद करे, कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उद्धव ने पूछी, भैया यशोदा का दर्शन करना है, आओ भैया आओ, लेकर के आए। बोले आप तो हमारे लिए देवदूत बनकर, भगवान बनकर आए हैं, हमारे कन्हैया को पत्र लेकर आए। यशोदा मैया ने जो देखा, सखाओं ने कहा मैया देख कौन आयो है। यशोदा खड़ी हुई दूर से, कन्हैया कन्हैया दौड़ी, दो पग आगे बढ़ाए कि पत्थर की चोट लगी यशोदा मैया भूमि पर। उद्धव ने पकड़ा, संभाला, पकड़ लिया, छाती लगा लिया, छाती से दूध गिरने लगा है यशोदा के। उद्धव ने प्रणाम करी, मैया मैं तेरा लाला कन्हैया नहीं हुआ को सखाऊ। उद्धव भैया जी सब पहन के गयो तो हम भ्रम है गयो, कन्हैया आयो है, कन्हैया नहीं, तुम्हारे लाला को पत्र लेकर आया हूं। मेरे लाला ने हाथ में लिया पत्र और मैया यशोदा पत्र को खोलने ही वाली थी कि उद्धव ने तुरंत ही पत्र पकड़ लिया। ला मैया मैं पढ़ दूं, माने कहा लिखो है? क्यों मैं नहीं पढ़ सकूं? नहीं नहीं मैया तेरी आंखें कमजोर है ना, तो तू पढ़ पाएगी नहीं पढ़ पाएगी, मैं पढ़ के सुनाए दूं। अरे हट अलग, मेरे कन्हैया को लिखो पत्र, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। स्लेट बत्ती लेकर के मैंने वाकू लिखना सिखाया है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। अपने हाथ में पत्र, और जो खोला पत्र को, उद्धव की बात तो सही थी, बूढ़ी आंखें पत्र पढ़ नहीं पाई, लेकिन आंखों में आंसू भरा आया था। कई बार हृदय बहुत भरा हुआ हो तो आंखें भर जाती हैं, और आंखें भर जाती हैं तो शब्द दिखाई नहीं देता, और शब्द तो कुछ दिखाई दिया नहीं, लेकिन एक घटना घट गई। बोले क्या घटना घटी? बोले कागज में नाच उठी मूरत गोपाल की, कागज में नाच उठी मूरत गोपाल की, कागज में नाच उठी मूरत गोपाल की। माने स्वयं गोपाल मैया को कहे, एक एक बात एक एक शब्द, मैया तेरे कन्हैया तो बहुत याद करे, कुछ मेरी व्यवस्था है और कुछ काल की व्यवस्था है, लेकिन मैया एक बात कहनी है तुझसे। जादित ने हम ब्रज को छाड़े, जादिनते हम ब्रज को छाड़े, काऊ न कहो कन्हैया, आज तक कन्हैया नहीं सुना, जब से ब्रजमंडल छूटा है तेरी बहुत याद आ रही है। मैया मेरे अपराध को तू क्षमा करेगी, तेने अब तक मेरे सारे अपराध क्षमा किए हैं, तू मां है मेरी, मैया है, पेट में लात मारे छोरा तो भी मैया वाय क्षमा करे, क्रोध नहीं करे। मैया मैं तो ऐसो ही निकलू, बालक हूं, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाता है लेकिन वो मालूम है माता तो कुमाता कभी नहीं होती। मां को प्रणाम किया,
नंद बाबा के पास लेकर के आए। नंद बाबा की दशा देखी है उद्धव ने, उद्धव को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि ब्रज की राजा की ये दशा, आंख इनके नीचे काले गड्ढे पड़ गए। एक कदंब के पेड़ के नीचे बैठे हुए निहारते हैं मथुरा की ओर देखते हुए कि कभी नौका विहार करते इतकू आ जावे, कभी इतकू आ जावे। और कोई लेकर के भोजन पहुंचा, बाबा भोजन तो कर लो, कन्हैया को बुलाओ, बलराम को बुलाओ ना, मेरे साथ बैठ के भोजन करें वो दोनों, बुलाओ कन्हैया को। अरे कन्हैया, बलराम, कन्हैया, कन्हैया, अरे यशोदा तू आवाज लगाना कन्हैया को, यशोदा, यशोदा आवाज लगा कन्हैया को, यशोदा मेरा कहना नहीं सुन रहा कन्हैया, आंखें भर आई। उधो सुन बात मेरी, कान्हा के पिता है यह, रात दिन रोवे मन विकल है बितावे है, देह सुध भूले नित दुविधा में झूले, अरु मन को मनोज गल्यो ही कछु ही न भावे है। भोजन की थाली देखते ही कान्हा को बुलाओ, बलराम को बुलाओ, बस सब काजन विसार एक ये ही रट लगावे है। राजी खुशी रहे कनुआ बलराम मेरे, रात दिन रोवे एक चिंता ये सतावे है। आज मैं आपको बताऊं, कृष्ण के बाबा हैं ये नंद और यशोदा मैया लगती है, इनका अधिकार कितना है। अगर एक आज्ञा देते, यशोदा आज्ञा दे देती कि तुझे आना है यहां पर, तो कन्हैया की सामर्थ्य नहीं थी कि मैया का कहना टाल सकता था। अगर नंद कह देते कि तुझे यही रहना है, क्या मजाल कन्हैया की। लेकिन क्यों नहीं कहा जानते हो? एक कारण, इसी का नाम प्रेम है। कन्हैया ने, हमारे कन्हैया ने कंस को मार दिया और कंस राजा है। राजा के कई मित्र होते हैं, बड़े बड़े राजा होते हैं, कंस के भी बहुत मित्र हैं। अगर कन्हैया को हम यहां लेकर के आ जाएंगे तो कंस के जितने मित्र हैं वो शत्रु तो होंगे ही होंगे, और यदि आक्रमण कर दिया तो हम कन्हैया की रक्षा दंडान के बल पे, बांसन के बल पे कहां करेंगे। लेकिन अगर मथुरा रहेगा कन्हैया तो चतुरंगणी सेना इसके साथ रहेगी, और हमारा कन्हैया सेना के बीच में सुरक्षित रहेगा। हम दुख उठा लेंगे, हम दुख झेल लेंगे, लेकिन हमारा कन्हैया राजी खुशी बनो भयो रहेगा, तो हमें हम राजी है यार। ये है प्रेम, ये है प्रेम की स्थिति। हम प्रियतम से दूर हो हमें परवाह नहीं, हमारा प्रियतम सुरक्षित तो है ना। आज इससे बड़ा प्रेम और क्या होगा। और यशोदा आज लेकर उद्धव को आई गौशाला में। अरे मनुष्यों की तो कौन कहे, यहां तो गायन की स्थिति कैसी हो गई है। कैसी? यशोदा कह रही है उद्धव देख कैसी हड्डी हड्डी गाय हो गई है। तो मैया इनको खिलाती नहीं, बोले खिला के देख ले। उद्धव ने हरा और घास मिलाई, दाना मिलाया, मिलाकर गैया के आगे रखा। गैया सूंघती है और फिर यूं देखती है, मानो गैया ये कह रही हो कि मैया हमारो गोपाल कब आएगा, हमारी सेवा करने वालों गोपाल कब आएगा। इसको सूंघ करके रह जाती है, खाती नहीं है, और खाने को भी कितना खाती है, जितने से प्राण बचे रहे, प्राण बचे रहे, और कल को कन्हैया आवे तो उसको देखते देखते प्राणों का त्याग कर दे। ये है प्रेम की स्थिति। यशोदा कहती है उधो इतनी कही हो जा, अति कृशगात भइए तुम बिन परम दुखारी गाय, अति कृशगात भइए तुम बिन
परम दुखारी गाय। और एक बात और बताऊं, बोलो मैया, जब ये जंगल जाती है तो सूंघती है। सखा बतावे मैया, ये वो जगह को सूंघ रही है जहां कन्हैया ने इनको दोहन कियो। जंगल में कन्हैया ने दोहन कियो, किम्बा कन्हैया दूध पीने की इच्छा करे तो गैयान के थन के नीचे मोह लगा ले, आकर गैयान के थन से अपने आप दूध निकलने लग जावे, और दूध जब गिरे तो कन्हैया के मुख में जाए करके, और बाहर जो छलके तो कन्हैया के मुख की प्रसादी गिर जावे घासन पे। तो यशोदा आज कह रही है उद्धव, जहां जहां हरि दोहन की नो सूंघत ते ही ठाम उधो, इतनी कही हो जाए। जहां जहां दोहन की उद्धव कांप गए, जहां के पशुन की ये स्थिति है। रात बीत गई, बात खत्म ना हुई। उद्धव बोले, मैया आज्ञा मिले मैं ब्रज की गोपांगनाओं से मिलाऊं, पत्र दे आऊं। उद्धव, एक काम करियो, राधा से जरूर मिलकर आ जाइए। हाँ हाँ, मैं जरूर जाऊंगा, उनका दर्शन जरूर करूंगा। आज जो चले ब्रज की गोपांगनाएं पानी भर करके यमुना से जो जा रही थी, उद्धव ने ऊपर से देखा, कहा, अरे उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी, उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी। गोपांगनाओं ने देखा, कौन उपदेशक आ गया यहां पर। अरे उद्धव जा भैया जा, क्यों, गलत बाजार में तू आ गया है, यहां तेरे उपदेश को सुनने वाला कोई ग्राहक नहीं है। उद्धव को कुछ अपनी गलती का एहसास हुआ, उद्धव ने तुरंत बात पलटी और कहा, कहन श्याम संदेश एक में तुम ते आयो, कह न सक्यो एकांत कब अवसर नहीं पायो। मैं तो कृष्ण का संदेश देने के लिए आया था, अवसर नहीं मिला इसलिए नहीं मिला। श्याम का संदेश घड़ा पानी का भरा हुआ फेंका और सबकी सब दौड़ी, जैसे गंगा यमुना आदि नदियां अपने पति समुद्र से मिलने को दौड़ती हैं, आज पत्र ही समुद्र बन गया है। और जो देखा उद्धव ने पत्र दिया। इन गोपांगनाओं की स्थिति जानते हो कैसी, एक पत्र, और सब उसके देखने वाले कैसे देखें। एक गोपी ने पत्र पकड़ा, दो गोपी उनके पीछे, तीन गोपी उनके पीछे, अर्धचंद्राकार रूप, अब कैसे देख रही है, पत्र खोला है, ये पत्र खोल दिया, और जो पत्र खोला, इधर से गोपी, सब तरफ से गोपी देख रही है, उधर से भी खड़ी खड़ी, कैसे, उजकी पद पंजन पे, अपने पंजों के बल पर, उजकी पद पंजन पे, पेकी पेकी पाती छाती छोहने सवे लगी। जो रह गई नहीं देख पाई वो क्या बोल रही है, हमको लिखो है कहा कहने समय लगी। हमको क्या लिखा है, अरे हमको क्या लिखा है। ये गोपी जिसके हाथ में पत्र है उसकी आंखें भरी, पत्र पढ़ ना पाई, और जो पढ़ पाई मुंह से बोल ना पाई। अन्य गोपिकाओं का सब्र का बांध टूट गया, एक ने इधर से पकड़ा, सब में खींचा तानी हुई, और पत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए, एक एक टुकड़े एक एक गोपी के हाथ में आया, सबने छाती लगाया। उद्धव बोले, ये तो पागल है, पड़ी वड़ी कुछ नहीं, सब टुकड़े कर दिए। उद्धव ने कहा, श्री किशोरी जी के दर्शन करने की लालसा है, आओ उद्धव आओ। लेकर के आए, राधा रानी को पता चला है कि श्री कृष्ण के सखा आए हैं। राधा ने एक आसन बिछाया है, और जो आसन बिछाया, उद्धव राधा को प्रणाम करते हैं, उस आसन को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद उस आसन पर नहीं बैठ करके नीचे बैठते हैं। क्यों, जिस आसन को अपने हाथ से स्वयं श्री राधिका रानी बिछा में, उस आसन पर बैठने का अधिकार
तो केवल श्री कृष्ण को है, दूसरा किसी को नहीं। बहुत देर तक तो शांत वातावरण था। एक गोपी ने उसको तोड़ा, मौन पहले तोड़ा एक गोपी ने, और क्या कहा, उद्धव हमारे कन्हैया कुशल से तो हैं, ये है प्रेम। सबसे पहला प्रश्न किया, हमारे कृष्ण और बलराम कुशल से तो हैं। उद्धव कहते हैं वो तो कुशल से हैं, आपकी कुशल पूछने को भेजा है, आप सबकी कुशल जानने को भेजा है कि आप तो कुशल से हैं। गोपी बोली, हमारी कुशल तो उसी दिन समाप्त हो गई थी जिस दिन हमारे कन्हैया हमें छोड़कर के मथुरा गए थे। दूसरी गोपी बोली, आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्यों, विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने आता है, विद्या पूरी प्राप्त करने के बाद वहां से निकल के वो भी चला जाता है विद्यालय को छोड़कर। एक राजा विहीन राज्य को छोड़कर प्रजा चली जाती है, जिस राज्य का राजा नहीं होता तो प्रजा भी चली जाती है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। विद्यार्थी गुरुकुल को छोड़ के चला जाता है, जंगल में हिरण रहते हैं, आग लगती है तो हिरण उस जंगल को छोड़ करके चले जाते हैं, पक्षी पेड़ पर बैठते हैं, पतझड़ होता है तो पक्षी उस पेड़ को छोड़कर चले जाते हैं, कृष्ण हमको छोड़कर चला गया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। निस्वम त्यजंत गणिका, निस्वम त्यजंती गणिका, अकल्पम नृपतिम प्रजा, अधीत विद्या आचार्यम ऋत्विजो दत्त दक्षिणम। एक गोपी बोली, सुना है आजकल कुब्जा क्या रहने लग गए हैं। दूसरी गोपी बोलती है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, क्यों, दोनों ही तीन जगह से टेढ़े हैं, एक त्रिभंग नामा एक त्रिभंग ललित। एक गोपी बोलती है, अरे भैया सुनो, उधो कर मन की गति न्यारी, उधो कर मन की गति न्यारी, सब नदियां जल जल, सब नदियां जल भरी भरी रहिया, सागर के ही विध खारी। सारी नदियां जल से भरी रहती हैं, मीठी रहती हैं, सागर क्यों खारा है, उसका कर्म भाग्य। उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, कोयल के ही विधिकारी, उधो कर मन की गति न्यारी, सुंदर नयन मृगा को दीने, आंखें तो मृग को बड़ी सुंदर दी लेकिन बन बन फिरत वो जारी, उधो कर मन की। सुंदर नारी पुत्र बिनु तर से, सुंदर नारी पुत्र बिनु तर से, हूहर जनी जनी हारी। बैश्या साल दुसाला ओढ़े, पतिव्रता फिरे उभारी, उधो कर मन की गति न्यारी। अरे मूरख राजा राज करे, मूरख राजा राज करे, पंडित फिरे भिखारी, उधो कर मन की गति न्यारी। अगर कर्म की गति न्यारी ना होती तो हमको जोग और भोग कुब्जा को, अगर कर्मों की गति न्यारी ना होती तो हमको तो वियोग दे रहे हैं और कुब्जा को अपना संयोग दे रहे हैं। हमको जोग वियोग कुब्जा, हमको जोग भोग कुब्जा को, सुनी हम भई दुखारी, सूर श्याम मिलने की आशा, छिन छिन पीतत भारी, उधो कर मन की गति न्यारी। हमको जोग भोग कुब्जा को, सुनी भई हम दुखारी, सूर श्याम मिलने की आशा,
छिन छिन बीतत भारी उधो कर मन की गतिया। आज कर्मों की गति है। दूसरी गोपी बोली, क्या कर्मों की गति को दोष दे रही है? बोले क्यों? अरे कर्मों की गति को दोष दे या कुब्जा को दोष दे या हमारे भाग्यों को दोष दे, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो हार ही गई हैं, अब तो कुछ ऐसा उपाय करो कि हम जीत पाए। एक ऐसा उपाय करो जिससे कृष्ण आ जावे। बोले क्या उपाय करें? एक गोपी बोलती है, तुलसीदास जी की श्री कृष्ण गीतावली में यह लिखा है प्रसंग। सब मिल साहस करो सयानी, सब मिल साहस करो सयानी, ब्रज आनिए मनाय पाव परी। ऐसा कुछ साहस करके मिलकर के जा चलो और जाकर के पांव पकड़ो और पांव पकड़ करके कहो कि आप ब्रज में आ जावे। किसके पांव पकड़े? बोले अब जिनके वश में कृष्ण हो रखा है, अब जिनके वश में कृष्ण हो रखा है कृष्ण के पांव मत पकड़ो, जिनके वश में कृष्ण हो रखा है उसके पांव पकड़ो। किसके वश में? सब मिल साहस करो सयानी, ब्रज आनी मनाय पांव परी, कान कुबरी रानी। उस कुब्जा के पांव पकड़ के कहो कि आप कृष्ण को लेकर ब्रज में आवे, हम आपको महारानी बना करके रखेंगे, दिन रात आपकी जी हुजूरी करेंगे। बस एक ही लाभ हम चाहते हैं, एक ही वेतन हम चाहते हैं कि प्रातः काल कन्हैया का दर्शन हमको हो जाए। इन गोपिकाओं की आंखें भर आई कहते कहते, नारायण राधा की दशा क्या है? एक भ्रमर उड़ करके आया है, भ्रमर के चरणों में गुंजार करने पर, राधा के चरण कमल पर गुंजार किया भ्रमर ने, उससे गीत बन गया, उस गीत का नाम भ्रमर गीत। मधुप की तब बंधो मास प्रशांत घृण सपत्निया, कुछ बिलुलित माला कुंकुम शुभिरना, वह मधुपति स्तने माननी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूत स्वमीद्रिक। भ्रमर चरण कमल में राधा की गुंजार करता है और राधा रानी उड़ाती है। अरे अरे कपटी के भाई मधुप कितब बंधो, अरे कपटी के भाई चला जा हमारे पास से, क्यों हमको मनाने यहां पर तुझे श्याम सुंदर ने भेजा है, और मनाने भेजा है और यहां क्या उसके गुणगान गा रहा है तू? अरे उसके गुणगान गाना है तो मथुरा में जाकर के उनकी पटरानियों को गुणगान गाकर सुना, हम तो उससे भली भांति परिचित हैं, हमें तू क्या बताएगा उनके बारे में, हम उन्हें भली भांति जानती हैं। और राधा रानी एक दिन रीस करके खींच करके एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठी है। हां एक बार लाडली रिसाए गई लाल जूपे, लाल जू के ऊपर रिस्क क्रोध किया, जाए बैठी चंपा के पेड़ के तरेरे, चंपा के पेड़ के नीचे बैठी। उसी समय चंपा की डार ऊपर बैठो खीर, चंपा की डार ऊपर बैठो खीर, खीर माने तोता, चंपा की डार के ऊपर तोता बैठ गया। बोलियो मन राधा कृष्ण कहे रे, पेड़ के ऊपर तोता राधा कृष्ण जो तोता कहने लगा। शुभ भई लाडली उलाए दिया खीर को, शुभ भई लाडली उल्हाना दियो खीर को, मर जा रे कीर तू चुप क्यों न रहे रे, अरे मर जा कीर तू चुप क्यों नहीं रहता, और तुझे यदि युगल मंत्र गाने का किसी ने मंत्र दे दिया है, जो तो कु जुगल नाम जप वे कौन नेम है, तो अब राधा कृष्ण मंत्र गए, जो तो कु जुगल नाम
जब वे कौनी में है तो अब कुबरी कृष्ण कुबरी कृष्ण कुबरी कृष्ण कहे रे अब कुबरी कृष्ण कुबरी कृष्ण कुबरी कृष्ण कहे रे तब बोल्यो कीर तब तोता कहता मेरा मारो क्यों न तीर तब बोल्यो कीर मेरे मारो क्यों न तीर मेरे को न तीर ओ तलवार को न डर रे राधा कृष्ण जुगल नाम डोरी बंधी गले चित्त चरणन में सेत नाही डरे डरे रे राधा बिना आधा नाम कृष्ण जुको मेरे तो गुरुजी केवल यही मंत्र दिए रे मेरे तो गुरुजी केवल यही मंत्र दिए रे आंखें भर आई और महाराज बिंदु जी महाराज का एक पद है इस पद में सुंदर व्याख्यान है कौन सा पद भगवान ने उद्धव को जब भेजा है तब से लेकर पूरा पद कहा घनश्याम ने उद्धव की वृंदावन जरा जाना वहां की गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व समझाना विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं तड़प कर आह भरती और रो रो करके कहती हैं हे प्रेम जगत में सार और कुछ सारे नहीं है प्रेम जगत में सार और कुछ सारे नहीं है प्रेम जगत में सार और कुछ सारे नहीं है प्रेम जगत में सार और कुछ सारे नहीं अरे मन कर ले हरि से प्यारे और कुछ प्यारे नहीं अरे मन कर ले हरि से प्यारे और कुछ सारे नहीं उद्धव को कृष्ण ने कहा कहा उद्धव ने यूं हंसकर अभी जाता हूं वृंदावन जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन है कैसी गोपियां है कैसी वे गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं निरर्थक लोक लीला का प्रथा ये नाम गाती हैं है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम हैं प्रेम दीवाने